There are places out there you can't find on any map. तो हेलो यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो अगर आपको भी एक्शन एडवेंचर वाली मूवीज़ देखना पसंद है तो आप मेरी इस बात से ज़रूर एग्री करेंगे कि वो एडवेंचर ही कैसा जिसमें खजाने की तलाश शामिल ना हो। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे आज तक की बनी सबसे बेहतरीन टॉप 10 ट्रेजर हंट मूवीज़ को, और इस लिस्ट में आने वाली सभी मूवीज़ हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे बढ़ते हैं अपनी लिस्ट की ओर, लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और गाइस सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, तो किस बात की देरी, प्लीज डू सब्सक्राइब। तो हमारी लिस्ट में नंबर 10 पर आती है 2022 में आई द लॉस्ट सिटी, जो कि एक एडवेंचर कॉमेडी की कैटेगरी में फॉल करने वाली मूवी है, जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, जिसकी लेंथ 1 घंटे 52 मिनट की है। आप इसमें कहानी देखेंगे एक राइटर लॉरेटा की, जो कि एडवेंचर पर नॉवेल्स लिखती है और अपनी अपकमिंग नॉवेल के कवर मॉडल के साथ अपनी नॉवेल का प्रमोशन कर रही होती है। लेकिन अचानक एक दिन लॉरेटा को एक बहुत ही अमीर आदमी इस उम्मीद में किडनैप कर लेता है कि लॉरेटा उसे द लॉस्ट सिटी के खजाने तक पहुंचा देगी। तो क्या लॉरेटा खजाने तक पहुंच पाती है या नहीं, ये सब आपको इस मूवी में देखकर पता लगाना है, जिसका नाम है द लॉस्ट सिटी। बात करें इस मूवी की क्रिटिक रेटिंग की, तो IMDb ने इसे 6.1/10 की रेटिंग दी है। तो अब इस लिस्ट में नंबर 9 के प्लेस पर आती है 2019 की डोरा द लॉस्ट सिटी ऑफ गोल्ड, जो कि एक एडवेंचर कॉमेडी के जॉनर को बिलोंग करने वाली मूवी है, जो हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में अवेलेबल है और जिसका रन टाइम 1 hour 42 minute का है। कहानी है एक लड़की डोरा की, जिसके पेरेंट्स आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, जो कि एक मिशन के दौरान कहीं खो जाते हैं। अब डोरा अपने फ्रेंड्स के साथ निकल पड़ती है अपने पेरेंट्स की तलाश में एक एडवेंचरस इम्पॉसिबल मिशन पर। तो क्या डोरा अपने पेरेंट्स को ढूंढ पाती है, यही सब आपको देखने को मिलेगा इस मूवी में, जिसका नाम है डोरा द लॉस्ट सिटी ऑफ गोल्ड। बात करें इस मूवी की क्रिटिक रेटिंग की, तो IMDb ने इसे 6.1/10 की रेटिंग दी है। तो नंबर 8 पर आती है 2022 में आई अनचार्टेड, जो कि एक एक्शन एडवेंचर वाली फिल्म है, जो बेस्ड है प्लेस्टेशन स्टूडियो की सेम नाम वाली वीडियो गेम फ्रेंचाइजी पर। मूवी हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस के साथ आती है, जिसका रन टाइम 1 hour 56 minute का है। स्टोरी है एक स्मार्ट एंटीक थीफ नेथन ड्रेक और उसके पार्टनर इन क्राइम विक्टर की, जो निकलते हैं एक 500 साल पुराने खोए हुए खजाने की तलाश में। लेकिन इसी खजाने के पीछे एक करप्ट अरबपति पड़ा है, जो इस खजाने को अपनी विरासत समझता है। तो क्या ये दोनों इस खजाने तक पहले पहुंच पाते हैं, तो आपको यही सब देखकर पता लगाना है इस मूवी में, जिसका नाम है अनचार्टेड। बात करें इसकी क्रिटिक रेटिंग की, तो IMDb ने इसे 6.4/10 की रेटिंग दी है। तो अब हमारी लिस्ट में नंबर 7 पर आती है 2014 में आई ब्लैक सी, जो कि एक एडवेंचर थ्रिलर की कैटेगरी में आने वाली मूवी है, जो हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल है, जिसकी लेंथ 1 hour 54 minute की है। स्टोरी है एक नेवी के ऑफिसर रॉबिन्सन की, जिन्हें पता चलता है कि ब्लैक सी में एक सोने से भरी हुई नाजी सबमरीन, जिसका नाम था यूबोट, वो रशिया से ब्रिटेन जाते समय कहीं डूब गई। जिसके बाद रॉबिन्सन एक ब्रिटिश और रशियन मेल्स की एक खास टीम बनाकर ब्लैक सी में इस सबमरीन को ढूंढने निकल जाता है। तो क्या रॉबिन्सन इस सोने से भरी सबमरीन को ढूंढ पाता है, यही सब आपको देखकर पता लगाना है इस मूवी में, जिसका नाम है ब्लैक सी, जिसे IMDb ने 6.4/10 की रेटिंग दी है। तो बेस्ट लिस्ट में नंबर 6 का प्लेस हासिल किया है 2021 में आई जंगल क्रूज ने, जो कि एक एडवेंचर फैंटेसी के जॉनर को बिलोंग करने वाली मूवी है, जो हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में अवेलेबल है और आती है 2 घंटे 7 मिनट की लेंथ के साथ। कहानी देखने को मिलती है एक सेलर फ्रैंक की, जो कि एक साइंटिस्ट डॉक्टर लिली को अमेजोन के खतरनाक जंगल के बीचों बीच कहीं छुपे एक ऐसे तिलस्मी पेड़ तक पहुंचाने का काम लेता है, जिस पेड़ में एक खास हीलिंग पावर है। तो क्या फ्रैंक डॉक्टर लिली को इतने खतरों के बीच में से होते हुए इस पेड़ तक पहुंचा भी पाता है या नहीं, यही सब आपको देखने को मिलेगा इस मूवी में, जिसका नाम है जंगल क्रूज। बात करें इस मूवी की क्रिटिक रेटिंग की, तो IMDb ने इसे 6.6/10 की रेटिंग दी है। तो अब हमारी इस लिस्ट में नंबर 5 का प्लेस हासिल किया है 2003 की द रनडाउन ने, जो कि एक एक्शन एडवेंचर कॉमेडी के जॉनर में फॉल करने वाली मूवी है, जो हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, जिसकी लेंथ 1 hour 44 minute की है। स्टोरी है एक बाउंटी हंटर बैक की, जिसे अपने बॉस के सो कॉल्ड एडवेंचरस आर्कियोलॉजिस्ट बेटे ट्रेविस को अमेजोन के जंगलों से वापस घर यानी लॉस एंजलिस लाना है। लेकिन ये सब इतना आसान होने नहीं वाला, क्योंकि अमेजोन के ही एल डोरिडो शहर के एक करप्ट माइनिंग बॉस को लगता है कि ट्रेविस उसे एक बेशकीमती गोल्ड से बने आर्टिफैक्ट गाटो तक पहुंचा सकता है, जिसके चलते वो बैग के पीछे अपनी गुंडों की पूरी आर्मी लगा देता है, ताकि वो ट्रेविस को वापस घर ना ले जा सके। बात करें इस मूवी की क्रिटिक रेटिंग की, तो IMDb ने इसे 6.7/10 की रेटिंग दी है। तो इस लिस्ट में नंबर 4 का प्लेस हासिल किया है नेशनल ट्रेजर मूवी सीरीज ने, जिसके टोटल 2 parts हैं, जिसमें से पहला पार्ट है 2004 में आई नेशनल ट्रेजर और दूसरा पार्ट है 2007 में आई नेशनल ट्रेजर बुक ऑफ सीक्रेट्स। दोनों ही मूवीज हिंदी इंग्लिश लैंग्वेजेस में अवेलेबल हैं और बिलोंग करती हैं एक्शन एडवेंचर मिस्ट्री की कैटेगरी से। दोनों ही मूवी की लेंथ लगभग 2 घंटे की है। कहानी है बेंजामिन फ्रैंकलिन की, जो कि एक हिस्टोरियन होने के साथ साथ एक क्रिप्टोलॉजिस्ट भी है,
जो कि एक ऐसे खजाने की तलाश में है जिसे अमेरिका की आज़ादी के युद्ध के समय कहीं छुपा दिया गया था। और यह कोई छोटा मोटा खजाना नहीं है, बल्कि सोने से बना एक पूरा शहर है, जिसके चलते बेंजामिन के पीछे FBI तक पड़ जाती है। अब आप पूरी मूवी में देखेंगे कि कैसे बेंजामिन FBI से बचकर सुरागों का पीछा करते हुए उस खजाने तक पहुंचता है। बात करें इस मूवी की क्रिटिक रेटिंग की, तो पहली मूवी को IMDb ने 6.9 आउट ऑफ 10 और दूसरी मूवी को 6.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। तो बढ़ते हैं अपनी लिस्ट की टॉप 3 पिक्स की ओर। तो इस लिस्ट में थर्ड प्लेस को हासिल किया है 2011 की द एडवेंचर्स ऑफ टिनटिन ने, जो कि इस लिस्ट की इकलौती एनिमेटेड मूवी है जो कि एक्शन एडवेंचर की कैटेगरी में फॉल करने वाली मूवी है, जो हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, जो आती है 1 घंटे 47 मिनट की लेंथ के साथ। कहानी है एक यंग जर्नलिस्ट टिनटिन की, जो कि अपने डॉग स्नोई के साथ एक लोकल मार्केट में ओल्ड शिप का मॉडल खरीदता है जिसका नाम है द यूनिकॉर्न। और टिनटिन की लाइफ में उस समय सब कुछ बदलना स्टार्ट हो जाता है जब टिनटिन को पता चलता है कि उसके खरीदे गए मॉडल में एक खजाने से जुड़ा क्लू छुपा है, और फिर शुरू हो जाता है टिनटिन का एडवेंचर से भरा सफर। बात करें इस मूवी की क्रिटिक रेटिंग की, तो IMDb ने इसे 7.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। तो हमारी इस लिस्ट में सेकंड प्लेस की दावेदार है इंडियाना जोन्स मूवी सीरीज, जिसकी मैं 3 मूवीज को आपके लिए रिकमेंड करूंगा, जिसमें से पहली है 1989 की इंडियाना जोन्स एंड द लास्ट क्रूसेड, और दूसरी है 2008 की इंडियाना जोन्स एंड द किंगडम ऑफ क्रिस्टल स्कल, और तीसरी है 2023 की इंडियाना जोन्स एंड द डायल ऑफ डेस्टिनी। तीनों ही मूवीज एक्शन एडवेंचर की कैटेगरी में आती हैं और हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में अवेलेबल हैं, जिनकी लेंथ 2 से 2.5 घंटे के बीच है। स्टोरी की शुरुआत होती है यंग इंडियाना जोन्स से, जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट है जिसके पिता होली ग्रेल की तलाश में कहीं खो गए थे, लेकिन वो अपने बेटे के लिए अपने पीछे सुरागों से भरी एक डायरी छोड़ जाते हैं, जिनको फॉलो करके इंडियाना जोन्स निकल पड़ता है अपने पिता और होली ग्रेल की तलाश में। तीनों ही मूवीज इंडियाना जोन्स के इन्हीं तरह के एडवेंचर से भरी पड़ी हैं। बात करें मूवीज की क्रिटिक रेटिंग की, तो IMDb ने द लास्ट क्रूसेड को 8.2 आउट ऑफ 10 एंड द किंगडम ऑफ क्रिस्टल स्कल को 6.2 आउट ऑफ 10 और द डायल ऑफ डेस्टिनी को 6.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। तो पूरे वर्ल्ड में टॉप ट्रेजर हंट मूवीज के बीच नंबर 1 पर आती है पायरेट्स ऑफ कैरेबियन मूवी सीरीज, जिसमें टोटल 5 मूवीज हैं, और ये 5 मूवीज हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में अवेलेबल हैं और आती हैं एक्शन एडवेंचर की कैटेगरी में, जिनकी एवरेज लेंथ 2 घंटे से 2 घंटे 50 मिनट के बीच है। स्टोरी है एक समुद्री लुटेरे जैक स्पैरो की, जो कि एक गवर्नर की बेटी एलिजाबेथ को बचाने के लिए ब्लैक पर्ल नाम के एक श्रापित जहाज पर जाता है, जहां पर एलिजाबेथ को किडनैप करके रखा गया है। अब आप देखेंगे कि कैसे कैप्टन स्पैरो अपने अनोखे अंदाज में अपने मिशन को पूरा करता है, और ये 5 मूवीज कैप्टन जैक स्पैरो की इन्हीं तिलिस्मी रहस्यमयी एडवेंचर्स से भरी पड़ी हैं। और बात करें मूवीज की IMDb क्रिटिक रेटिंग की, तो ये रही आपकी स्क्रीन पर। तो ये था मेरा वीडियो अबाउट टॉप 10 ट्रेजर हंट मूवीज एवर मेड। और अगर आपको भी इसी तरह की मूवीज और सीरीज की लिस्ट और रिव्यूज देखना पसंद है, तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन कीप एंजॉय।